आप लीजिए, बट जैसा अनिल जी कह रहे हैं, निवेश करके भूल जाइए, बढ़िया रिटर्न्स ये दे सकता है। अच्छा सर, ये तो रहा स्टॉक ऑफ द डे, पर जो नई लिस्टिंग आज होने वाली है, इस पर क्या करें? सनसेरा इंजीनियरिंग, सनसेरा इंजीनियरिंग, हम कुछ अच्छी चीजें थी, कुछ कम अच्छी चीजें थी, जो हमने पूरा विश्लेषण आईपीओ के वक्त किया ही, इसलिए हमारा ये कहना था कि हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग के लिहाज से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाएं, वही राय थी। और आप देखिए दीप, चूंकि जब आईपीओ बंद हुआ तब से अब तक मार्केट का मूड माहौल काफी बदल चुका है, बेहतर हो चुका है, उसका फायदा मिलेगा बिल्कुल। तो और दूसरा ये कि जो क्यूआईबी कैटेगरी में एंकर बुक जो मजबूत बनी है उसका फायदा मिलेगा। सबसे बढ़िया चीज इसमें है कि एंकर बुक अच्छी थी और क्यूआईबी कैटेगरी में इश्यू काफी बड़ा, 24-25 टाइम जहां तक मुझे याद है, तो उसका अब फायदा मिलेगा कि इंस्टीट्यूशनल खरीदारी थोड़ी मिलेगी। मेरा ये समझना है लिस्टिंग होनी चाहिए 800-850 रुपए के बीच में कहीं, 745-744 का इश्यू प्राइस था, 744 आपको सिंपल 750 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और जैसे ये बढ़ते जाए अपना स्टॉप लॉस 50 रुपए नीचे ले, समझिए 850 हो गया, आप अपना स्टॉप लॉस 800 पे ले आओ, ट्रेल करते चलो, 900 हो गया 850 कर लो, ठीक है 950 हो गया 900 कर लो, तो ऐसे धीरे धीरे आप स्टॉप लॉस को ऊपर करते चले ताकि आपका प्रॉफिट इंटैक्ट रहे। बाकी बाजार के बदले मूड माहौल के साथ लिस्टिंग ठीक हो जाएगी, और अगर देखिए 8-10% ऊपर लिस्ट होता है, 15% ऊपर लिस्ट होता है, वो रीजनेबल लिस्टिंग है आजकल के माहौल में, और इसीलिए 10% का आपको मार्जिन ऑफ एरर हमेशा लेना होता है, और इसलिए हमारा इरादा यह था कि लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर पैसा लगाएं, देखते हैं फॉलो अप बाइंग कितनी आती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए सनसेरा, 750 के आसपास के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, नजर रखिएगा इस काउंटर पर, बट 800-850 की रेंज में लिस्टिंग हो सकती है। पारस सर, 300 गुना से ज्यादा रिकॉर्ड बन गया लग रहा था, वो कहते हैं पूत के पैर दिख रहे थे पालने में कि ये तो रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन मतलब मेरा ये पॉइंट है कि ठीक है, अच्छा रेस्पॉन्स आया, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्योंकि एक तो ये कि नए जमाने का अलग तरह का बिजनेस है, जो डिफेंस एरोस्पेस मार्केट का इंटरेस्ट है, दूसरा कंपनी बहुत छोटी है, तो बड़े रेस्पॉन्स के पीछे ये कि जब आपको छोटी कंपनी है, आपको पता है कि लिस्टिंग पे आपको रिस्क नहीं है नीचे जाने के, तो फिर आप आराम से खरीद लेते हैं। करेक्ट, तो वही सिस्टम में आईपीओ में लगा रहेगा, 300 गुना भरा है ठीक है, ऑफकोर्स जो संकेत है उसके हिसाब से फिर दुगुना पे तो लिस्ट हो गई होगा, इतना तो बनता ही, इतना तो बनता है, 200-250 रुपए ऊपर लिस्ट होना चाहिए इश्यू प्राइस से, तो बढ़िया रेस्पॉन्स आया ठीक है, बट अच्छी बात यह कि लिस्टिंग दमदार हो जाएगी, लिस्टिंग दमदार होगी। चलिए, तो इसकी लिस्टिंग पर रहेगी नजर सर।